हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको कैसे अपनी बाइक का इंश्योरेंस करना है। जो इंश्योरेंस आपको करवाते वक्त एजेंट को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, जिसमें आपको एजेंट के पास जाना पड़ता है, उसमें आपको दिक्कतें होती है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको घर बैठे कैसे इंश्योरेंस करना है, वो जानकारी देने वाला हूं। और अगर आप पॉलिसी बाजार पे न्यू यूजर हैं तो आपको कैसे करना है, अगर आपका पॉलिसी बाजार पे आपका पहले से यूजर है और आपका पॉलिसी एक्सपायर हो गया, कैसे रिन्यू करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। उसमें आपको कैसे अपनी वैल्यू डिसाइड करनी है, कैसे आपको नो क्लेम बोनस लेना है, कैसे आपको अपना पॉलिसी डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो से जुड़े रहिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अपनी गाड़ी की पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे पॉलिसी बाजार सर्च कर लेना है। जैसे हम पॉलिसी बाजार सर्च करते हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, policybazaar.com, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते देर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। आज मैं आपको टू व्हीलर के बारे में बताने वाला था, तो मैं इसलिए सिर्फ टू व्हीलर पर ही क्लिक करूंगा और मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टू व्हीलर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट इंटरफेस हमारा ये ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें अपना बाइक नंबर, जो भी हमारा बाइक का नंबर है, वो हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना होता है। मैं यहाँ पे बाइक का नंबर फिलअप करने के बाद नीचे व्यू प्राइस पे क्लिक कर लेना है। व्यू प्राइस पे क्लिक करने के बाद आपको बता दूँ, अगर आप पहले से ही पॉलिसी बाजार में रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीधा पॉलिसी दिखने लग जाएंगी। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो गाड़ी नंबर डाला था, उसके बाद हमें यहाँ आता है हमारा कि कौन सा कंपनी का है। जैसे कि हमने यहाँ पे हीरो होंडा सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारा हीरो की बाइक थी, मैं यहाँ पे हीरो होंडा सिलेक्ट कर लूँगा और आगे की चीज़ आपको बताऊँगा। मैं हीरो पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके जो भी मॉडल्स होंगे सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मेरा पैशन प्रो था, तो मैं यहाँ पे पैशन प्रो पे क्लिक करूँगा। अब पैशन प्रो पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है कि पैशन प्रो में बड़े प्रकार के ये हैं, तो आपका कौन सा है इसमें, तो जो भी मेरा इसमें था मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट पेज पे फिर आ जाता है कि हमें ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर का है, तो मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके आरसी में लिखी होती है वो। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है आपके क्या आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो नहीं हुई तो नोट एक्सपायर, अगर 90 दिन के अंदर हुई तो 90 दिन के अंदर, और अगर पॉलिसी बहुत पुरानी तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वो सिलेक्ट करते हैं तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको ये दिख जाता है सामने। आपको बता दो, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे IDV, ये आपको यहाँ पे इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, इस पर सिलेक्ट करके अपनी जो भी आपको वैल्यू रखनी है अपनी गाड़ी की, आप वो अपडेट IDV कर लें, उसे करके फिलअप करके। मैंने यहाँ पे अपडेट फुल पे करके दिखा दिया है। मैं पॉलिसी करने वाला नहीं, मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ लास्ट तक सारे प्रोसीजर इसमें कि क्या क्या होता है, और मैं आपको नेक्स्ट में पूरा नई पॉलिसी करके दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने पॉलिसी देख रही है, इसमें क्या रिटर्न दे रहा है, ये दे रहा था मैं इस पर RS, जो भी हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है, प्लस इसमें 18% टैक्स लग जाएगा। मैं यहाँ पे उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे व्हीकल ऑनर का नेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है, जिनके नाम पे गाड़ी है उनका यहाँ पे नाम फिलअप होएगा। नाम फिलअप करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर हमें फिलअप कर लेना है। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर और मेल ID जरूर डालें, क्योंकि मेल ID पे आपकी, जैसे मैं अगर आज अपनी पॉलिसी ले रहा हूँ तो सेम डे में मेरे को मेल भी आ जाएगी, मेरी पॉलिसी उस मेरे को मेल पे प्राप्त हो जाएगी, तो मैंने वो करके प्रोसीड कर दिया था। इसके बाद नॉमिनी डिटेल, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल फिलअप कर लेना है, नॉमिनी से रिलेशन, फिर उसकी एज, यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, हमें यहाँ पे कंटिन्यू टू साइन अप, यहाँ अगर आपकी बाइक फाइनेंस है या नहीं है, दोनों चीज़ फाइनेंस है तो किस उनके थ्रू हुई थी फाइनेंस, कौन से बैंक के थ्रू, यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आपको नो पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं नो पे सिलेक्ट करके प्रोसीड करके दिखा देता हूँ। नो पे मैंने कर दिया, कंटिन्यू टू स्टेप 3। अब मैं स्टेप 3 में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फिर अपना जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फिलअप करनी होगी। आपको बता दूँ जानकारी के लिए, आपकी RC पे आपका ये नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आपको RC नहीं मिल रही है तो आप अपना पुरानी पॉलिसी में भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंडेटरी है, होगा ही होगा ये। आपको हर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे इंजन नंबर और पॉलिसी नंबर ही सबसे मेन माना जाता है, जो यहाँ पे एंटर होता है, उसी की डिटेल आगे फॉरवर्ड होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों फिलअप कर लिया है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट डाल देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट भी आपके RC पे लिखी होगी, वही आपको डेट सिलेक्ट करनी है। मैंने वही सिलेक्ट करके वेरीफाई प्रीमियम कर दिया है। वेरीफाई प्रीमियम करने के बाद आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंटरफेस क्या ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें शो कर जाती हैं, जहाँ पे प्रीव्यू एक टाइप का शो करता है। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत लग रही है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, इसीलिए आप एक बार जरूर यहाँ पे चेक कर लें।
और आपको बता दूं, आपने जैसे पहले वैल्यू कम देखी होगी लेकिन आपको इसमें वैल्यू जुड़ के ज़्यादा आ रही है, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए 18% GST इसमें लग जाता है। और उसके बाद जैसे कि 1200 कुछ की वैल्यू आ रही थी उसमें हमारा 18% GST लग गया, फिर 1443 रुपये की वैल्यू हो गई। और जैसे ही हम यहाँ पे सिक्योर करेंगे नीचे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप वहाँ पे गेट अपडेट ऑन व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको अपना ड्राइव इंश्योरेंस बनवाना है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो आप वो भी यहाँ पे बनवा सकते हैं जस्ट कुछ 300 कुछ रुपयों में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूपी के ऊपर जो 3 पॉलिसी जा रही हैं, कोटेक, डिजिटल और लेबर्टी, इन तीनों की आप पॉलिसी ले सकते हैं 300 कुछ रुपये में। 400 तक में आपको पॉलिसी मिल जाएगी जो कि 15 लाख की है। और आपको फिर उसके बाद पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पे सिक्योरली पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका ये ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, जिसमें आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट इनके थ्रू कर सकते हैं। और आपको बस पेमेंट करने के लिए अपनी डिटेल्स फिलअप करके पे कर लेना है और आपकी पेमेंट होते देरी आपको पॉलिसी दिख जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, अगर आपका पहले से ही पॉलिसी आपने ले रखा पॉलिसी बाजार से और आप उसे रिन्यू करना है तो कैसे करना है, उसके लिए मैं फिर आपको दिखा देता हूँ शुरुआत से। पहले मैंने गूगल पे अपना पॉलिसी बाजार सर्च कर लिया था। पॉलिसी बाजार सर्च करने के बाद अभी देख रहे हैं मैंने पॉलिसी बाजार यहाँ पे 3rd-4th नंबर पे आ रहा था, मैंने उसी पे क्लिक कर लेना है, जिससे मैं क्लिक करते देरी पॉलिसी बाजार की होम पे वेबसाइट पे आ जाता हूँ, होम वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन शो कर जाते हैं जिसमें से हमें 2-व्हीलर वाला सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे ही मैं 2-व्हीलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मेरे को व्हीकल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें मैं अपना व्हीकल नंबर फिलअप कर दूंगा और उसके बाद व्यू प्राइजेस पे क्लिक कर लूँगा। पहले मैं अपना व्हीकल नंबर फिलअप कर रहा हूँ, गाड़ी नंबर, और गाड़ी नंबर फिलअप करने के बाद हम नीचे देख रहे हैं ब्लू साइन में यहाँ पे व्यू प्राइस पे क्लिक कर लेना हमें। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ये ओपन हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस हमारा ओपन हो गया, जिसमें हम डायरेक्ट ही एक इन पेज पे आ गए जहाँ पे हमें सीधा अमाउंट दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। जैसे कि आपने इस वीडियो में पहले ही देख लिया होगा, अगर आप न्यू यूज़र होते हैं तो आपसे पहले व्हीकल पूछता है कि आप कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कौन से साल में लिया था, सारी चीज़ें पूछता है। अगर आप यहाँ से एक बार भी करा चुके हैं तो आपको कुछ नहीं पूछेगा। और उसके बाद बता दूँ यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको अपनी वैल्यू यहाँ पे ज़रूर डिसाइड करें। और अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं थर्ड पार्टी ना करके कंपनसेशन करें, थर्ड पार्टी तभी करें जब आपको लगता है कि आपका चलान के लिए बचाना है या सिर्फ आपकी बाइक की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको उसमें कुछ नहीं चाहिए रिटर्न वैल्यू, तभी आप उस पर करें, वरना आप यही करें कंपनसेशन वाला। मैं कंपनसेशन भी प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मैंने वैल्यू अपनी डिसाइड कर ली थी, जो मैक्सिमम आ रही थी वो मैंने डिसाइड करके अपडेट कर लिया था। इसमें आप देखेंगे मेरे को सारा दिखा दे रहा है, मेरी जो वैल्यू मेरी दिखा रही है, जैसे रॉयल सुंदरम और ये सारी मेरे पास सामने शो कर रही है। और मेरे को जिसमें से जो भी बेहतर लगेगी मैं उस पर क्लिक कर लूँगा और उस पर मैं करके प्रोसीड करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे को इसमें कौन सी सही लगी। जैसे कि मैं इसमें नीचे स्क्रॉल कर रहा था, मेरी लास्ट पॉलिसी जिस कंपनी की थी मैंने कोशिश की कि मैं उसी कंपनी का कराऊँ, क्योंकि वो आगे के लिए बेहतर होता है। सेम मैं इससे पॉलिसी करते तो नो क्लेम बोनस भी बढ़िया मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पे इफ्को टोक्यो, मैंने पहले भी पॉलिसी इफ्को टोक्यो के थ्रू ही ली थी, इसीलिए मैंने इस बार भी वही सेम लिया और वैल्यू भी वही इसीलिए ज़्यादा दे रहा है क्योंकि हमारी लास्ट पॉलिसी भी उसी के द्वारा हुई थी, इसीलिए उससे वैल्यू हमें ज़्यादा दिख रही है। मैंने इस पे पे क्लिक कर लिया था। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा डिटेल्स पहले से फिलअप है, यहाँ पर हमें कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पहले से फिलअप होती हैं। अगर आप पहले से पॉलिसी बाजार यूज कर रहे हैं और आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करा रहे हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पे फिलअप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू टू स्टेप 2 कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नाम फिलअप होकर आ जा रहा है, यहाँ पे नॉमिनी नेम आ गया, फिर रिलेशन सिलेक्ट कर लिया, एज सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे अगर आपकी बाइक फाइनेंस है तो यस, नहीं है तो नो करके कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे करता हूँ यहाँ पे मेरा गाड़ी नंबर, फिर इंजन नंबर, फिर चेसिस नंबर, यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे फिलअप होके आ जाती हैं। उसके बाद हमारी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है और हमें ये हमारा बाइक रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और क्या आपने पहले कभी वो इसमें कुछ नो क्लेम बोनस आपने कभी कभी क्लेम किया है कि नहीं किया है तो यस, नहीं तो नो। क्लेम का मतलब है आपने कभी तोड़फोड़ हुई है कुछ बाइक में, आप लेके गए हो इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मेरे यहाँ दिक्कत आ गई है या कभी कुछ चोरी हो गई थी या कुछ भी दिक्कत आया, तो यहाँ पे ये वही कर रहा होता है मैं फिलअप, तो हमने नो कर दिया क्योंकि हमने कभी भी वो नहीं लिया था, कभी भी हम इसके कुछ भी टूट फूट के लिए कभी नहीं गए थे हम इंश्योरेंस कंपनी के पास। फिर नीचे हमारा आता है नो क्लेम बोनस, तो कोशिश करें मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें, जो आपको मैक्सिमम दिख रहा हो आप वो ले लें क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का एडवांटेज होता है कि हम लगातार अपनी पॉलिसी कराते हैं
और अगर हम पॉलिसी बाजार से अपनी पॉलिसी लेते हैं तो नो क्लेम बोनस में हमारे पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं, जैसे कि हर बार 5-5 इंक्रीज होते रहते हैं। तो अभी मेरा 50 दिखा रहा था तो मैंने उस पर सिलेक्ट करके प्रोसीड कर लिया था। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे मेरी सारी डिटेल शो कर जाती हैं। यहाँ पे आपको अपना सबसे प्रायोरिटी रखना है कि आपको अपना इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर, ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। ये सब चीज़ें चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि कल हो के अगर आपकी गाड़ी खो जाती है तो आप अगर जिसमें कुछ भी आपका नंबर गलत रहेगा तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है, मैंने सारी चीज़ चेक करके यहाँ पे सिक्योरली पे मैंने नीचे क्लिक कर दिया था। राइट साइड में नीचे का ऑप्शन आ रहा था पे सिक्योरली, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू और वॉलेट के थ्रू, ये हमारे पास 5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आज अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ। पेमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी कार्ड डिटेल फिलअप कर ली है। कार्ड डिटेल फिलअप करने के बाद नेम ऑन कार्ड, जो भी नाम हमारा कार्ड पर डला हुआ है वो, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड में जो एक्सपायरी डेट लिख रही है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है सेम डेट। यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन आता है CVV, CVV आपको पता होगा आपके कार्ड के बैक साइड में CVV लिखा रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस हमारा ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें OTP फिलअप करना होता है। और OTP फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो आपको बता दूँ जस्ट कुछ सेकेंड में ही मेरे को मेरा OTP प्राप्त हो गया था। और OTP प्राप्त होने के बाद मैं यहाँ पे वो चीज़ एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद फिर मैं सबमिट करूंगा। यहाँ पे मैं OTP फिलअप कर रहा हूँ दोस्तों। OTP फिलअप करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे राइट साइड में कैंसिल के बगल में सबमिट का ऑप्शन आता है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। थोड़ी देर वेटिंग में दिखाएगा कि आपका हो रहा अपडेट, तो डोंट प्रेस बैक बटन और रिफ्रेश बटन, ताकि ये जो प्रोसेस में चल रहा है इसमें दिक्कत ना आए, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट जरूर कर लें। थोड़ा सा वेट करने के बाद ही आपका पॉलिसी नंबर आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे पॉलिसी नंबर मेरे को सामने आ चुका है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर आ गया। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे डाउनलोड पॉलिसी का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेरे को पॉलिसी नंबर शो कर रहा है। मैं इसे प्रिंट करके रख लूँगा डॉक्यूमेंट को। और एक जानकारी और दे दूँ, जिस डेट में भी आप ये पॉलिसी करते हैं सेम डेट में आपको आपकी मेल ID पे आपकी पॉलिसी पहुँच जाती है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी पॉलिसी मेरे को नहीं दिखी, पॉलिसी नंबर तो दिख गया लेकिन मेरे को पॉलिसी कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो चिंता ना करें, आपको पॉलिसी आपकी आपके मेल ID पे प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।